तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह बना रही हूँ सब्जी। और यहाँ पर मैंने आज बनाई है बीन्स और गोभी और गाजर की सूखी सब्जी। इसमें मैं टमाटर या प्याज कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, बस सूखे मसाले इसमें ऐड करूँगी और ये बन जाएगी सूखी सब्जी। तो ऊपर से मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डाल लिया है और थोड़ा सा इसको हिला लूँगी। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, और इसमें मैं टमाटर बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ और पानी भी बिल्कुल नहीं डालूँगी। बस ये नमक के जो पानी छोड़ेगा, नमक उसके पानी से ही पक जाएगा। तो ढक के रख देंगे और धीमी आंच पे इसको पका लेंगे। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर रागी मडवा यानी गेहूँ के आटे से पराठे। तो आटा गूंद लिया है और उसके बाद मैंने पराठे बना लिए हैं। रागी का आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, वैसे इसकी रोटियाँ ही ज़्यादा अच्छी होती हैं पराठों से, पर यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ सुबह के लिए। और इसे बिना गेहूं के आटे मिक्स किए भी बहुत अच्छी लगती हैं बनाने से, जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं उसी तरह। और साथ में चाय, ये सुबह का नाश्ता है। इस दिन में हम सोच रहे हैं कि धूप में बैठकर चूप है जो घर से लाए हुए हैं उसको सान लें मतलब मिक्स कर लें। इसमें हम नमक मिर्च मिक्स करके इसको बनाएंगे, पर ये छोटा है इसको छाया देनी पड़ती है तो कड़वा हो जाता है। एक और बनाए, कितना खा पाएंगे? चल एक ही बहुत है, इसके छिक्कल अच्छे नहीं होते, नहीं तो सब छिक्कल खा देते थे हम तो। इसको अच्छा पहले चीनी इसमें डाल देते हैं जो कि इसका रस पकड़ेगा ना, तो चीनी पिघल जाएगी। इसको ऐसे ऐसे काट के सारा निकाल लेंगे। अब इसका ऐसे निकाल लेंगे फटाफट। क्या बात चल रहा है? हाँ, जो दाने चले जाते हैं ना इतना अच्छा नहीं लगता। हाथ जिसके कटे हैं ना पता चलता है कहाँ पर कटे हैं, इतनी जलन पड़ती है इससे। अब इसमें पड़ेगा नमक और मिक्स होगा ये। तो ये बन गया है और इसको अब फटाफट बांट के खा लेना है। तो हमारा चूप खाना भी हो गया है धूप में बैठ के। और अगर आप कोई छोटी छोटी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।